अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो ये है सैटरडे का वीडियो, बनाने जा रही हूँ पुलाव, क्योंकि कुछ था नहीं तो समझ में नहीं आया, तो सोचा चलो पुलाव ही बना देते। तो ये मसूर है अक्खा, मसूर बटाटे हरा मसाला पीस के रेडी कर लिया है, कचुम्बर भी रेडी कर लिया, कांदा भी काट दिया, नमक टमाटर भी काट दिया, तो सारी चीज़ें हमने रेडी कर लिए। अब बनाने जा रहे हैं मसूर का पुलाव। तो हमको जितना चाहिए उतना तेल डालेंगे और गरम मसाला, आपको पता है मैं सिर्फ 5-5 लेती हूँ, तो लवंग इलायची काली मिरी ये सारी चीज़ें मैंने 5-5 ली हूँ, और एक से सवा चम्मच मैंने छोटा वाला ज़ीरा डाल दिया है। अभी फ्राई होने के बाद मैं पत्ता डालूँगी, जो खाने का पत्ता होता है वो खाने में डाला जाता है, और ये देखिए इलायची दालचीनी भी डाल दी, और फिर बाद में कांदा डाल दूँगी फटाफट, क्योंकि बगैर हमको जलाना नहीं। तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें आप डाल दीजिए, और मैं जो भी आपके कढ़ाई में है उसको मिक्स कर दीजिए। थोड़ा है ना, बोलने के टाइम पे ऊपर नीचे हो जाता है, तो समझ जाया कीजिए। इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद ये कांदा अभी थोड़ा सा नरम होगा, 5 से 10 मिनट नरम होने के लिए लगता ही है कांदे को, तो हमको पिंक वगैरह नहीं करना है। जैसे ही नरम हो जाएगा कांदा, तो हमको टमाटर डाल देना है इसमें। तो जैसे ही मेरा कांदा नरम हो जाएगा इसमें मैं डाल दूँगी। तो चावल है मेरे 1.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा, समझो 1.5 गिलास है, 1.5 किलो, आधा किलो से थोड़ा सा कम, और 100 ग्राम के ऊपर 200 ग्राम मेरे मसूर है, 3 से 4 मैंने बटाटे ली हूँ, 1 टमाटर ली हूँ, 3 से 4 मैंने कांदे ली, बाकी का तो मैंने मसाला निकाल लिया। अब देखिए ये बटाटे मैंने डाल दिए, अभी हम हल्दी डालेंगे थोड़ा सा कलर आने के लिए, और धनिया पाउडर डालेंगे। तो मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर डाली हूँ, और आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली हूँ, तो आपको जो हिसाब से डालना है तो डालिए। अब मेरा आधा किलो से थोड़ा सा कम चावल है, तो मैंने 1.5 चम्मच मैंने ना, जो गोल चम्मच मेरा छोटा आप देख लीजिए, वो मैंने नमक डाली हूँ 1.5 चम्मच, क्योंकि कैसा है नमक कम ज़्यादा कम होगा चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मेरे अंदाजे से मैंने डाल दिया है नमक। और बाद में ये सारे नमक 1.5 चम्मच डालने के बाद ये सारी चीज़ें मैं मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से हिला दूंगी और बारीक आँच रख दूंगी, क्योंकि मुझे मसूर और चावल डालना है, तो इसका बहुत ख्याल रखना। क्या ये जब फास्ट आँच पे सारी चीज़ें फ्राई होती है, तो उसके बाद थोड़ी आँच आप धीमी कर दीजिए, कि आपका ये सारा मसाला जो डला है वो जल नहीं जावे, क्योंकि हमको चावल और मसूर डालना है, तो उसमें टाइम जाता है। जो लोग फास्ट करते हैं उनके लिए, तो हमारे जैसे ठीक है फास्ट स्पीड में डाल देते, मगर जिन लोग नए न्यू हैं तो वो कभी भी गैस कम करें। अब हरा मसाला, हरे मसाले में मिर्ची अदरक लहसुन है, मिर्ची 15 से 20 ली हूँ, और लहसुन 8-10, और आधे से ज़्यादा मैंने अदरक ली हूँ। अब मसूर और चावल डाल दूँगी, डाल दिया है। अब 2 से 3 गिलास पानी डालूँगी, तो इसमें 3 गिलास पानी बस हो गया, क्योंकि हरा मसाले में आधा ग्लास पानी था, थोड़ा सा पानी था, आधा ग्लास नहीं था, थोड़ा सा था, तो इतना पकने में चावल बस हो जाता है। अब इसको अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है, देखिए कुकर में। अब ये है मीडियम आंच पे गैस मेरा, अब जोश आने के पहले मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, क्योंकि उतरा के कोई काम नहीं करती हूँ, गैस पे सारा फटाफट कर देना होता है। तो अब मैं लगाऊंगी इसको 3 सीटी, तो 3 सीटी होने के बाद में फटक से ये पक जाता है, इसके बटाटे भी पक जाएंगे, अंदर का जो भी मसाला है वो सारा टेस्टी लज्जतदार बनेगा, होटल से भी बहुत ही खूबसूरत। तो देखिए 3 सीटी हो गई है मेरी, अब मैंने कुकर का ढक्कन खोला, देखिए होटल जैसा है या नहीं है, आप देख सकते हैं, लज्जतदार और खाने के लिए बहुत ही टेस्टी बना था। वैसे तो पापड़ अचार हम रखते ही है खाने में रोज़ के, फिर भी इसको कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई चीज़ कोई ज़रूरत नहीं थी मुँह को लगाने की, ऑलरेडी इसमें बटाटा मसूर सारी चीज़ें हैं, और मसूर तो सभी को मालूम है बहुत टेस्ट देता है। तो देखिए इस तरीके से तो सब रेडी हो गया खाने के लिए, तो ज़रूर मेरे तरीके से होटल के तरीके से बनाइए, खाइए, और टेस्ट मेरे तरीके से बना के टेस्टी खाना खा के मुझे बताना भी ज़रूर। और देखिए इस तरीके से, देखिए एक भी चावल का दाना तोड़ना नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।